गए हैं गुराई पीक एंड एकदम शांति है क्योंकि हम लोग 3 बजे पहुंचे हैं। आयाज ने ठूसना भी चालू कर दिया है, आयाज का ये फेवरेट वाला चटनी नारियल। गर्मी बहुत है, 11:45 हो गया गाइस, मूवी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साइकिल है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी एकदम मस्त है एंड हमारा संडे अभी फिलहाल शुरू हुआ है तो मिलते हैं सीधा तो स्वागत है आपका हमारे अजॉय की दुनिया में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस नाश्ता करने के लिए, एज यूजुअल हम लोग को वापस से मूवी का टिकट है और नाश्ते के लिए बस हमारे पास आधा घंटा बचा है और आया जितना स्लो चला रहा है कछुए जैसा क्योंकि उसके बाइक पर सर्विसिंग का काम है तो उसकी बाइक अपने आप ही चल रही है तो अभी प्रिकॉशन के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो चलो अभी फटक से हम लोग जा रहे हैं अभिषेक, मुझे आया बोल रहा था कि जरिए सस्ते में निपट जाते, मैं बोला नहीं मेरे को अभिषेक का चाय पीना है और आप लोगों ने भी प्रीवियस व्लॉग में देखा कि मेरे को अभिषेक का चाय बहुत पसंद है, इसको भी पसंद है लेकिन नाटक कर रहा है एंड हम लोग फास्ट फूड सर्विस है तो हम लोग सादा डोसा या मिसल पाव या जो भी रेडी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मंगाएंगे और खाएंगे। तो अभी फिलहाल चलो फटाफट से पहुँचते हैं अभिषेक एंड देखते हैं उसके बीच में अभी अगर और कुछ करेंगे तो बने रहिए, आपको बताते मिलते हैं आगे। हमारे फेवरेट होटल में आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है इधर आके, मस्त मस्त खाना सादा सादा, आज हम लोग दोनों भी सादा डोसा मंगाया है, 2 चाय मंगाए हैं और जल्दी कुछ बोलने वाली है, क्या बोलना है, बहुत भूख लगी है, खाना जल्दी आओ। एकदम बेकार, एकदम अच्छी लग रही है, बस एकदम क्यूटी पाई लग रही है नेपाली, मैं नेपाली नहीं हूँ और टीका भी रखे लगाती हूँ 10 मिनट की मैं नेपाली हूँ, मैं सिर्फ एक लाइनर वाला लाइनर का लाइन लगा रही हूँ और गंदा लगता है वो। चलो अभी हमारा ऑर्डर आता है फिर आपको आगे। हम लोग का सादा डोसा आ चुका है और ये देखो यहाँ पे आयाज ने ठूसना भी चालू कर दिया है, आयाज का ये फेवरेट वाला चटनी नारियल वाला, ये खाने बोलती हूँ तो भी नहीं खाता है आज खाना, नहीं नहीं बोलते किसी को भी, मेरे को नहीं अच्छा लगता है वो भाई, टमाटर टमाटर वाला लगता है, आई लाइक ओनली व्हाइट चटनी, खाने का होता है अच्छा लगता है वो, नहीं खाने का ना। तो चलो गाइस हम लोग अभी ढूंढते हैं क्या आएगा, चाय पियेंगे उसके बाद से देखते हैं आगे और हम क्या करते हैं, वो बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग का फेवरेट चीज आ चुका है, जैसे बताइए जैसे क्या है, हाँ ये हमार चाय है, हमारा फेवरेट चाय आ चुका है और जॉयसी का भी फेवरेट चाय है। हाँ तो गाइस हम लोग है ना एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग है ना ब्लॉग में भैया भाषा में बात करेंगे, भैया भाषा में ब्लॉग करेंगे और जॉयसी कोंकणी में, कोंकणी आता है तुझे, पेड़ धवड़ है, हाँ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत करने का चैलेंज दिया है मैंने तुझे, वो करना पड़ेगा। तो ये संडे तो जॉयसी शायद नहीं चलेगा ना, मैं भी कर रहा ट्राई, ये संडे शायद मैं नहीं जाऊँगा जॉयसी से मिलने के लिए, वो गाड़ी सर्विसिंग कराना है, हाँ तो ये संडे आने वाला है, हाँ अगले संडे, अगले संडे जो गाड़ी सर्विसिंग कराना देगा तो मैं शायद जॉयसी को मिलने नहीं जा पाऊँगा, अगर टाइम मिला तो हाँ बोर हुई तो ये हाँ तो ये आ जाएगी, फिर हम लोग प्लानिंग किया हूँ कि भैया भाषा में ब्लॉगिंग करने के लिए, तो हम लोग वो टाइम पूरा पूरा ब्लॉग है ना भैया भाषा में करेंगे, क्या बोलता है वो जॉयसी, ठीक चले, आई ट्राई, हाँ नहीं नहीं क्या है ना गाइस, क्योंकि हम लोग अभी यूपी साइड के जो है थोड़ा थोड़ा हमको नहीं आता रहेगा तो हम लोग यूपी साइड वाले जो है वो लोग भी देखेंगे, तो वैसे हम लोग ट्राई करेगा, कॉमेडी भी लगेगा, मज़ा आएगा, बने रहो और अभी हम चाय वाय पीते हैं फिर आपको, कहाँ हो कहाँ हो बोलेंगे, पेटी लेके सीधा यूपी, मामा का डायलॉग है जॉयसी के मामा का, पेटी लेके सीधा यूपी, तो गाइस चलो अभी फटाफट से मेरी चाय ठंडी हो रही है पीते हैं फिर आपको मिलते हैं आगे। गाइस हम लोग पहुंच गए मैक्सिस मॉल, यहाँ पे आयाज भी है, गर्मी बहुत है, 11:45 हो गया गाइस, मूवी स्टार्ट हो चुकी है तो चलो अभी फटाफट से भागते हैं, मिलते हैं आपसे इंटरवल में। तो इंटरवल हो चुका है, आपको बैकग्राउंड में देखो आवाज़ आ रहा होगा, सब हेल्प वेल्प लगा है, पता है क्यों, क्योंकि ऐसा पहले बार हुआ है, मतलब मेजोरिटी ने कभी हुआ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आफ्टरनून का शो था 11:45 एंड 100 रुपीज़ में टिकट, वो भी रेक्लाइनर सोफा लॉन्चर प्रीमियम
एवेंजर सब 100 रुपए में। इतनी पब्लिक है ना, एंड गाइस ये मूवी देखने लायक है। कैसी लगी अज्जू? जबरदस्त मूवी है गाइस। साला हम लोग को अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड जिम जाने के लिए फटती है, वो लोग अंडरग्राउंड रह के पूरा बाप। और ये कभी अगर कोई बंद कमरे में या बॉक्स में भी गए तभी भी हाथ खुलने लगती है, तो वो लोग का कैसा काम करते हैं, वो भी रियल स्टोरी है। आप लोग देखो, चाहे अगर 500 रुपए में भी बिक रहा होगा ना टिकट, तो भी जाओ और देखो, ये मस्ट वॉच मूवी है, बहुत अच्छी है। तो चलो, अभी हम पेट तो भरा है, कुछ खाने पीने का तो मन है नहीं। तुम्हारा है क्या? नहीं, मेरे को भूख नहीं लगी क्योंकि हम लोगों ने डोसा इतना खाया ना, पेट टाइट। हाँ, तो गाइस हम लोग मैक्सिस मॉल में आए हैं और मैक्सिस, एंड मैं मूवी का नाम तो बता दूँ कि हम लोग कौन सा है ना, मिशन रानीगंज मूवी के लिए हम लोग आए। अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स भी है उसमें, बहुत सारे एक्टर्स है उसमें, बहुत बहुत सारे 12 एक्टर से ज्यादा है। हाँ, और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी है। तो अभी इतने सारे क्राउड है तो आराम से इंटरवल उनका स्टार्ट होगा। तो चलो अभी चलते हैं, मूवी एंजॉय करते हैं। हाँ, इंटरवल खत्म होगा, सॉरी। तो चलो चलते, मुझे प्यास लगी है, पानी पीते हैं, देखते हैं और आगे क्या करते हैं। और वापस स्क्रीन में ही जाना है तो हम लोग शूट कर नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आता है। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़े देर ब्रेक के बाद, है ना अज्जू? यस। सो गाइस, अभी हम लोग आए थे शॉप पे, हमारे टाइम पे साइकिल है, क्या ले रही है? दो ही कलर है ना, ग्रीन एंड येल्लो। अभी हम लोग शॉप पे आए हैं, सामान ले रहे हैं। क्या ले रही है जैसी? ये साइकिल। हाँ, मेरे घर के तीन है ना। हाँ, अब और बचा। ये आपके पास वो ईटिंग है गाइस। तो हम लोग पहुंच गए हैं गोराई बीच, एंड एकदम शांति है क्योंकि हम लोग 3 बजे पहुंचे हैं, एंड बिल्कुल भी गर्दी है नहीं। पब्लिक का टाइम आने का मेजोरिटी 4 के बाद होता है। ये देखो कितना शांत है। अरे, तुम्हारा दोस्त क्यों आया इधर? ये डॉगी आया है क्योंकि हम लोग खा रहे हैं, देखो चिकन बिरयानी, बहुत टाइम बाद है ना अज्जू, हमारा फेवरेट वाला। कम से कम 1-1.5 महीने, 2 महीने के बाद, 2 महीने से भी ज्यादा। लास्ट कब खाया था वो भी याद है, बट इधर ही खाया था हमने, बीच पे ही खाया था, तभी हाई टाइड था मेरे शायद। हाँ, तो चलो गाइस बिरयानी को छीरते हैं। हाँ, नहीं तो आयत पूरा खत्म कर देगा। हम लोग को भूख भी ज्यादा लगी और हमने एक ही लिया था क्योंकि तभी तक डोसा फ्लोट कर रहा था पेट में, तो उन्होंने बोला कि ज्यादा भूख लगेगी नहीं, तो एक ही लेते हैं। तो आते भूख लगे, प्लस धूप भी है ना बहुत। तो चलो अभी ये खाते हैं बिरयानी, बाद में अगर कुछ और खाना है तो लेट्स सी। तो चलो अभी खाते हैं, एंड आप भी डॉगी सबर करो, आपको भी हड्डी मिलने वाली है। एक छोटू नीचे, यहाँ पे इधर 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 भाग गई, भाग रही है वो। अगर आप लोग कभी आते हो ना गाइस गोराई बीच में, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ खिला दो, पता नहीं है इन लोग कब खाते, कितना क्यूट है छोटू। हेलो हेलो, ट्वी ट्वी, नहीं ऐसा करूंगी तो आ जाएगा। उसको मिल गया, वो इतना दूर काई को डालो, अरे इसको पपी को इधर दो ना, पपी ले, पपी ले। हाँ बस, देखा इन लोगों को बहुत भूख लगती है गाइस, इन लोगों को प्लीज आए होगे तभी ये साइड डॉग को बिस्किट या वगैरह। देख उसकी मम्मी खड़ी है, वो नहीं खा रही है। हाँ, मम्मी नहीं खा रही है, बेटी को खाने दे रही है। तो चलो गाइस इन लोगों को भी खिलाते हैं और हम भी खाते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। गाइस, तो हम लोग पहुंच गए थे गोराई बीच, एंड हम लोगों ने खाया भी था, एंड उसके बाद थोड़ा सनसेट होने ही आया, थोड़ा मतलब कूल हो गया क्लाइमेट। उसके बाद मैंने आया उसको बोला, हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या करें घर जाते क्योंकि आयस को डीमार्ट भी जाना था। तो बाद में मैंने दिमाग लाया कि चलो क्यों ना कंटेंट ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे पहले किया करते थे कि मतलब एवरी संडे को हम लोग 30-40 का टारगेट रखते थे, एंड वीडियोस कंटेंट शूट करते थे ताकि हम लोग का पूरा हफ्ते का बैकअप चले। तो 1-2 दिन में मैं पूरा एडिटिंग कंप्लीट कर देती थी। क्यों? क्योंकि मैं और आयस अगर हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं ना, तो एकदम फट करके जल्दी बन जाता है, अदरवाइज इतना टाइम लगता है ना एक क्लिप अगर आप लोगों को भी पता ही होगा एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आदत हो गया है। बट जितना साथ में वीडियोस बनाते हैं ना, उतना एडिटिंग करने में इजी हो जाता है सब इफेक्ट्स वगैरह डाल के। तो ये देखो, ये हमारा सेटअप था क्योंकि हम लोग स्टैंड ही लाए नहीं थे। राजू, कैसा मजा आया? बहुत मजा आया गाइस, और बिकॉज हम लोग क्यों, तभी बारिश था तो इसके लिए हम लोग बना नहीं पा रहे थे। तो अभी हम लोग आज से मतलब संडे मिलके बनाएंगे वीडियोस, क्योंकि उसको भी एडिटिंग में अच्छा रहेगा जॉयसी को, और फटाफट बन भी जाता है गाइस। और हमारा एक चैनल भी आ गया है गाइस, तो जॉयसी और मैं बताएंगे साथ में। हाँ, कौन सा चैनल है जॉयसी? तो गाइस हम लोग का जो नया चैनल है
चूर जो हम लोग ने आज ही उसका इनॉग्रेशन किया है और उसको हम लोग बनाने का भी था बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, दिन से नहीं बहुत महीने से हम लोग सोच रहे थे। आयाज मेरे पीछे पड़ा था कि चल बनाते बनाते बनाते, तो मेरा ऐसा था कि जब साथ में जब होगा आगे तभी देखते तभी हैंडल करते बहुत सारे, क्योंकि वो भी काम पे मैं भी काम पे, बट मल्टीटास्किंग हमें करना ही आता है। क्योंकि अगर हमें सक्सेस चाहिए हमारे ड्रीम्स ट्रू करने हैं तो वी हैव टू मल्टीटास्क। सो गाइज हमारा जो चैनल का नाम है वो है अजॉय रिव्यूज, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना, प्यार देना, जैसे ये चैनल को आप ग्रो करा रहे हो हमारे साथ वो चैनल के पर भी सब्सक्राइब करना, उससे हमारे साथ जो भी रिव्यूज होंगे बॉलीवुड का या कोई वेब सीरीज का या कोई टेक्नोलॉजी या कोई सॉन्ग या इन्फॉर्मेशन जो भी हमसे बन सकेगा वो हम आपके पास वो पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन, हम फुल कोशिश करेंगे। जैसे हम आयाज एंड जॉयसी का चैनल जो है आगे ग्रो कर रहे हैं, हम वो भी ग्रो करेंगे एंड उसमें हमें आपकी भी हेल्प चाहिए रहेगी गाइस, तो प्लीज हमें हेल्प करना एंड सपोर्ट करना, भूलना नहीं हमें, हम यहीं हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो गाइस चलो मेरी चार्जिंग जो है वो ऑलमोस्ट ड्रेन होने के लिए आई है, तो अभी मैं आयाज के मोबाइल में 30% ही आ गया। अरे यार एनीवेज कोई नहीं, तो देखते हैं अभी हम लोग कितना शूट कर पाते हैं, क्या क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं, अभी व्लॉग ले पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेट्स सी व्हाट एवर इट इज। तो मोबाइल का चार्जिंग थोड़ा बचाते हैं एंड मीरा रोड के लिए निकलते हैं एंड फिर देखते हैं क्या खाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। लगी है गाइस, बाय बाय गाइस, अभी हम लोग मीरा रोड पहुंच गए हैं और हम लोग आए हैं चिकन रोल खाने, सिंगल एग चिकन रोल कुसुम रोल का। हां कुसुम रोल सामने उधर देखो, और ऐसा है गरम है क्या? गरम है। हाँ तो खाना खाने के बाद मिलेगी या रोल खाने के बाद? रोल खाने के बाद, देखो चार्जिंग अभी सिर्फ 14% बाकी है। हाँ तो मिलते हैं आपको आगे, ठीक है गाइस बने रहो। गाइस तो मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई हूँ, तो मैं ट्रेन से आई थी क्योंकि आयाज बहुत थका था, मैं भी थकी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं ट्रेन से ही चलती हूँ एंड बैटरी भी मेरे पावर सेविंग मोड पे रखा है करके मैं अपना लास्ट वीडियो शूट कर पा रही हूँ इंट्रो का अपना आउट्रो का। तो चलो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको मजा आया रहेगा, फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।